नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीकेटी क्षेत्र में एसआर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है, जिस कड़ी ने आज बख्शी का तालाब स्थित एसआर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध, छेड़खानी, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा जैसे तमाम चीजों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम में आईजी रेंजर लक्ष्मी सिंह मौजूद रही। इस मौके पर मिशन शक्ति के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण ग्राहक सेवा केंद्र एवं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट महिलाओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर आईजी रेंज के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, ग्रामीण से बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखियां पहुंची। साथ ही गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने वाले संचालक भी बड़ी संख्या में आए, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, मंडलायुक्त और एसएसपी ग्रामीण के द्वारा अवगत कराया गया। ग्रामीण जनता में कैसे जागरूकता फैलाई जा सके और कैसे जोड़ा जा सके, इसको लेकर आज लोगों को जागरूक किया और साथ ही क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसको लेकर एक निर्देश पुस्तिका का विमोचन किया, जिसके माध्यम से लोगों को सतर्क और सावधानी महत्वपूर्ण गुरु सिखाए गए और इस पुस्तिका के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोग जागरूक होंगे। सरकार के 23 विभागों ने मिलकर इस मिशन शक्ति योजना को एक साथ लॉन्च किया है। सभी विभागों में जितने भी तरीकों से हम बहनों को सशक्त कर सकते हैं, माओं को सहारा दे सकते हैं, जन्म लेने वाली बच्ची के जन्म से लेकर उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके विवाह तक जितना आर्थिक संबल सरकार दे सकती है, वो सारी की सारी योजनाएं इस अम्ब्रेला, इस मिशन शक्ति बैनर के तहत आज पूरे प्रदेश में लागू है। सवाल उठता है कि आज आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है? आप अपने को किसी भी हालत में कम ना समझें। हमारी रेंज के 6 जिलों में आज कुल ग्राहक सेवा केंद्र की जो संख्या है वो 23,024 है, 2324 है सॉरी, और जो कुल वीसी सखी है वो 5,636 वीसी सखियां हैं जो इस समय हमारी रेंज के 6 जिलों में कार्यरत हो रही, यानी कि लगभग हमारे हाथ में आज की तारीख में 8,000 के करीब एक ऐसा वर्किंग फोर्स है, एक ऐसा कार्यबल मौजूद है जो सोया हुआ हनुमान है, जिसको थोड़ा सा जगाना है, जिसको थोड़ा सा समझाना है कि तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम्हारे माध्यम से गांवों में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी शक्ति का, उसी हनुमान